नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ये प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है और ये मनुष्य में होने वाला बहुत ही घातक रोग है। ये किस प्रकार से होता है और कहां पर होता है ये तो आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहें। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है और ये कैसे होता है, तो ये सबसे पहले ये टेस्टिस होते हैं, यानी कि ये टेस्टिस होते हैं दो मनुष्य में, और ये जो नसें होती हैं टेस्टिस की, ये नसें पेनिस में जाकर के मिलती हैं, ये पेनिस में जाकर के मिलती हैं। और ये देखिए, ये किडनी होती है, ये किडनी होती है और यहाँ पर पेशाब बनता है। जब ये पेशाब इस मार्ग के द्वारा पेनिस से बाहर निकलता है, इसी प्रकार से तो ये टेस्टिस होते हैं, इनमें स्पर्म बनता है, यानी कि वीर्य बनता है, जैसे वीर्य कहते हैं। ये भी इन नसों के माध्यम से पेनिस से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार जब पेशाब भी पेनिस से बाहर निकलता है और स्पर्म भी यहाँ से बाहर निकलता है, तो इनका मार्ग एक ही होता है। तो इस मार्ग में रुकावट करने के लिए एक ग्रंथि होती है, इसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि स्पर्म को रोकी रहती है और पेशाब को भी रोकी रहती है। जब स्पर्म निकलने वाला होता है तब ये पेशाब के मार्ग को बंद करती है, और जब पेशाब निकलने वाली होती है तब ये स्पर्म के मार्ग को बंद करती है। तो इस ग्रंथि का यही काम होता है। जब यह ग्रंथि कमज़ोर होती है, यानी कि मान लीजिए जिस मनुष्य में ये ग्रंथि कमज़ोर होती है, उनका जो स्पर्म है वो रात में बाहर निकल जाता है पेनिस के द्वारा। ये जब बाहर निकल जाता है तब ये एक बीमारी होती है, तो इसका इलाज संभव है, इसका इलाज कराया जाता है। तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये मजबूत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जब स्पर्म को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है, यानी कि जिसे हस्तमैथुन कहते हैं, तब भी यह जो ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये कमज़ोर होने लगती है धीरे धीरे। हस्तमैथुन की प्रक्रिया के द्वारा ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और कमज़ोर होते होते इससे नुकसान क्या होते हैं, यानी कि एक तो सेक्स टाइमिंग घटती है, दूसरी इस ग्रंथि के कमज़ोर होने से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, और यह कैंसर बहुत ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहीं पर प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसी जगह पर जहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। अतः यदि प्रोस्टेट ग्रंथि किसी की जन्मजात कमज़ोर है तो उसे भी इलाज कराना चाहिए। यदि किसी को कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, यदि किसी को हस्तमैथुन का की लत है या किसी के अपनों को लत है, यदि उसके बारे में जानकारी हो गई है तो इसका भी इलाज संभव है। अच्छे डॉक्टरों से इसका भी इलाज कराना चाहिए, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है यदि इलाज समय पर ना कराया जाए तो।